अरे काळवी काठेरी रे ए राख चांदा काळवी ए काठेरी रे दा आंगणो तोड़े मर हरवी काच धोरे जी ठाकुर साहब कंवर साहब अरे कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है ताली बजाएं सभी लोग कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे दो देवल कूके है गडरे कांगड़े थे जी आ कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है थोड़ी रो रे दो केवड़ तू के है गजरे कांगड़े रे जी चांदे जवाब दियो कि कोनी है घोड़ी रो मारे दोष इन्हें मारे घोड़ी को दोष ना आ तो देवलबाई ऊपर ऊपर देवलबाई करुणा कर रही है वास्ते घोड़ी कूद रही जैसे जैसे बोलिया तो बाबू जी रा तीन फेरा चवरी में हो गया चौथो फेरो जैसे ही हुआ शुरू हुआ और बाबू जी महाराज ने काना में आ बात सुनाई दी। अब देखिए किस प्रकार से धर्म को निभाया जाता है। अरे तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबू रो तीजो फेरो तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबू रो तीजो फेरो चवरिया रे चौथोड़ा फेरा में पल्लो आडियो रे जी आ तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबू रो तीजो फेरो चवरिया रे माँ चौथोड़ा फेरा में पल्लो आडियो रे जी आ देखिए एक बहुत खास बात निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान में ब्याह कितना फेरोंगे सात फेरों में वो पीछे एक सांत कह रहा अपने राजस्थान में चार फेरों में ब्याह हो जावे पूरे देश भर में सात फेरे की परंपरा और ये परंपरा क्यों कि बाबू जी चौथे फेरे में पल्ला ने काट दियो उस दिन से ये परंपरा राजस्थान में चल गई कि बाबू जी जब चौथा फेरा में चमरी ने छोड़ दी तो अपने भी राजस्थान में इसी प्रकार की परंपरा का चलन हो गया। अब देखिए छेड़ापल्ली ने काट और बाबूजी दार सीधा घोड़ी पर सवार हो गया तो बाबूजी रे साला बाबूजी रे साड़िया बाबूजी रे ससुराल का लोग जार घोड़ी के आगे खड़ा हो गया बोले कंवर साहब कहीं हो गए हो चवरी ने छोड़ की कर जा रहा हो कोई चाकरी में चूक रह गई हो तो बताओ कोई कमी रह गई हो तो बताओ कोई मनमार में कमी रह गई हो तो बताओ कहीं बात हो गई कोई हमारी बेटी में चूक है तो बताओ कोई कमी है तो बताओ सोटी में कोई कमी है तो बताओ और बोले अरे कहीं देखियो सोटी में चूक बनोई जी कहीं देखियो माता बीनो से निवेदन करता हूँ थोड़ी ताली के साथ में कहीं देखियो सोटी में चूक बनोई जी कहीं देखियो सोटी में चूक अरे केड़ा ता माने पल्लो बाडियो रे जी हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगाम पबूरा हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगा
परा महिला रे रे माय बनोई जी आलो परा महिला रे रे माँ कुंकू केश तेरा नखो छोटना रे जी सब लोग कोशिश कर ली पर बाबू जी ना ढबिया क्योंकि बाबू जी ने गौ माता की रक्षा को धर्म निभाणो हो बाबू जी देवलबाई ने दिए वचन ने निभाणो हो और बाबू जी ब्याव ने छोड़ और अपने ससुराल में कॉल कर दियो कि मैं जीवित रहे हो तो पाछो आऊला और बाबू जी अब देखिए किस प्रकार से अरे गोड़ी खेले अंका शोरे माय बाबू जी दोनों हाथों को पीछे अरे घोड़ी खेले अंकाशोरे माय बाबूरी घोड़ी खेले अंकाशोरे माँ चांदियो तू दे गडरे टांग टेरे छतरी गुलरे अरे छतरी गुलरे बेले रे आय भवानी छतरी गुलरे बेले रे बाबूरे आई जेरे पगोरे पागड़े सिंवरू सुंधारी रे दाय भवानी सिंवरू सुंधारी रे दा भारत में सिंवरू रे भवानी काल का रे रामनावो परामनावो बावन रे वीर वही वही परामनावो बावन रे वीर एक तो मनावो खेड़ेरो खेतड़ो रे जी तो बाबूजी अस्त्र शस्त्र लिया और सास सासू रवाना हो वापस गांव आया माँ बाबूजी री माँ बोली कि बेटा बोले कि ना माँ जो मारो धर्म है वो मैंने निभाणो पड़ेला बाबूजी री माँ बोली कि बेटा जिंदराव थारो बहनो ही है और तू मारने की गलती मत कर जे थारी बहन को सुहाग उजड़ जावेला बाबूजी अपनी माँ ने वचन दे दियो बोले कि माँ चिंता मत कर लेकिन उसकी करनी का फल उसकी करनी का सबक तो उसको सिखाना पड़ेगा अब देखिए किस प्रकार से बाबूजी रणभूमि के लिए निकलते हैं खींची ने हेलो मा
ने हो याद थो कि मारो बहनोई है। बाबू जी रणभूमि में जिंदराव ने परास्त कर, अब देखो सजा क्या दी, जिंदराव रे नाक में नथनी पहनाई, नकेल खाल, नकेल खाल और डोरी बांध और घोड़ी रे लारे बांध दियो। अब देखिए, हे बाबूजी ढाली ढाली नथनी ना करे माई, नथनी ना करे माई, बांधे के शरले लारे खींची। चरणा में हार गिर गयो, बोले कि साला जी माफ कर दो, बख्श दो, आज के बाद में आपकी गायों की तरफ नहीं देखूंगा, मारे काड़ भी घोड़ी ना चाहिए, पर माफ कर दो, मारो मत ना। बाबूजी मारो वचन दियो, तो बाबूजी बोले कि जा माफ कियो। बाबूजी माफ कर और जैसे ही वापस घूमिया, देखिए कायर कायर होता है, शूरवीर शूरवीर होता है, दुष्ट दुष्ट होता है और सजन सजन होता है। बाबूजी महाराज ने ईमानदारी का परिचय दिया, उनको याद था कि हमारी बहन को सुहाग ना उजड़े। लेकिन बाबूजी जैसे ही वापस घूमिया, जिंदराव दुष्ट हो, नीचे एक तलवार पड़ी हुई, जिंदराव घायल अवस्था में खड़ो हो गयो, तलवार हाथ में ली और जैसे ही बाबूजी घूमिया और मौको देख और जिंदराव वो नंगी तलवार हाथ में ले, बाबूजी ने धोखे से गड़ा पर बार खोली। कई इतिहासकारों का मत है, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने बाबूजी महाराज के विषय में बहुत सुंदर लिखा है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में शायद राजस्थानी साहित्य में शायद वो सब्जेक्ट चलता है। बालोतरा के पास में एक छोटा सा गांव है भांडियावास, वहां पर चारण समाज में एक बहुत जोरदार कवि हुए जिनका नाम हुआ मोड़ जी आसिया। इन्होंने बाबूजी महाराज के जीवन पर एक पूरा ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम है बाबू प्रकाश। उसमें राजस्थान के साहित्यकारों का अलग अलग मत है, कई इतिहासकारों का मत है कि बाबूजी ने अपने शरीर को स्वयं छोड़ के वो स्वयं घोड़ी समेत इस दुनिया से उन्होंने पर्दा कर लिया। कई लोगों का ये मत है कि जब तलवार से उन्होंने वार किया तो बाबूजी का गला और धड़ अलग अलग हो गया, लेकिन बाबूजी वीर गति ने प्राप्त हो गया। गौ माता की रक्षा के लिए, अपने धर्म और अपने वचन के लिए बाबूजी ने अपने प्राण दे दिए। आज उस बात को लगभग लगभग 700 साल, 1299 में बाबूजी का जन्म हुआ था, आज 700 साल बीत गए, बाबूजी का नाम ही दुनिया में अमर हो गए। गौ माता की रक्षा और बाबूजी महाराज का गांव गांव में धड़कला है, बाबूजी महाराज का गांव गांव में मंदिर है। बाबूजी को जो मानता है, बाबूजी उसको शक्ति देते हैं, उसको बल देते हैं, और शायद ओम बना को भी बाबूजी की शक्ति हासिल